समझ करते हैं। माननीय सभापति बिहार विधान परिषद श्री देवेश चंद्र ठाकुर माल्यार्पण कर रहे हैं। बरस बाद कम से कम समुद्र जी के यहाँ गए, गर्दन को चाप रहा क्यों रहे यार। पहली बार अगर फर्स्ट ईयर होता जाते तब समझ में आता ना, पहली बार गए हैं 10 साल में याद आए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी और उस जयंती के मौके पर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज मीडिया के पास पहुंचे तो ज़रूर थे। उन्होंने कहा कि जो बातें कल जिस तरीके से चला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों के सामने झुक गए हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सीधे तौर पर कहा है कि हम आप लोग का सम्मान करते हैं और इसीलिए जो है ये अभिवादन हमने आप लोग को किया था, हम आपको जो है वो मानते हैं, आदर करते हैं। ये बात नीतीश कुमार ने आज फिर से दोहराया और सीधे तौर पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जो है वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी लोग यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुँचे हुए थे। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को कह रहे थे वो तस्वीरें भी आपको पहुँचाएंगे, साथ ही साथ भवन निर्माण विभाग के अशोक चौधरी उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए इस बयान। समक्ष माल्यार्पण करने के लिए पधार रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। मोहित ग्रामी वजीर आला जनाब नीतीश कुमार अपनी अकीदत के फूल पेश कर रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव माल्यार्पण कर रहे हैं। अब आप लोग क्या समझ करते हैं। और माननीय सभापति बिहार विधान परिषद श्री देवेश चंद्र ठाकुर माल्यार्पण कर रहे हैं। माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी माल्यार्पण कर रहे हैं। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार माल्यार्पण कर रहे हैं। झारखंड में आज बिरसा मुंडा के जो जहाँ पे जन्म उनका हुआ था वहाँ पे गए हैं। कम से कम ये बात तो है ना कि प्रधानमंत्री जी को लगभग 10 वर्ष हो रहा है, 10 वर्ष बाद कम से कम समुद्र जी के यहाँ गए। गर्दन को चाप रहा क्यों रहे यार। पहली बार अगर फर्स्ट ईयर होता जाते तब समझ में आता ना, पहली बार गए हैं 10 साल में याद आए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो लोग महापुरुषों को याद तो करते ही हैं, अच्छी बात है। बीजेपी आपकी सरकार पे लगातार हमले कर रही है, डाउन नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करो। आरक्षण पर क्या हमला करेगा, आरक्षण पर तो नीतीश जी जैसे व्यक्ति पैदा हुए जिन्होंने 70 साल की आजादी के बाद आज तक तो आरक्षण दिया जाता था किसी गणना पे नहीं, डिमांड पे दिया जाता था। इस बार तो माननीय नेता ने जातीय गणना करने के बाद जो आर्थिक शैक्षणिक स्थिति थी, जो परिस्थिति थी, उसके हिसाब से आरक्षण देने का काम किया। तो एक नया ट्रेंड हिंदुस्तान में शुरू हुआ है ना कि भाई परिस्थितियों को देख करके आप आगे बढ़िए, योजनाओं का निर्माण कीजिए, जिसका डिमांड बहुत लंबे समय से पेरियार जैसे लोग करते रहे, उनके पहले भी बहुत से लोग करते रहे। तो इसलिए परिस्थितियाँ जो नेता ने काम किया है ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले समय के लिए एक मील का पत्थर साबित हो गया है। सर बीजेपी ने गोवर्धन पूजा के बहाने यादव को यादव कोशिश की और लालू यादव पे लगातार हमला बोल रहे हैं, लालू जी ने बोला ये क्या हो रहा है। बीजेपी अपने तरीके से लोगों में अपना परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है। किसी जात की राजनीति से ज्यादा जरूरी है काम की राजनीति। नीतीश कुमार जी ने जात की राजनीति से ऊपर उठकर काम की राजनीति पर जोर दिया है और काम की बदौलत लंबे समय से टिके हुए हैं। जो व्यक्ति काम करेगा वही बिहार पर राज करेगा, जात वाला लोग राज नहीं करते। जम्मू में वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम समझते हैं कि वहाँ के पुलिस अधीक्षक सक्षम हैं, क्योंकि मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री रहा हूँ, निश्चित रूप से वैसे लोगों पर दबिश बनी हुई है और उन लोगों पर कार्रवाई होगी और वैसे जितने भी इस तरह के बालू माफिया हैं उन सब पर सरकार सख्त है। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसी पहली बार घटना हुई है क्या,
पहले भी ऐसे होते पहले भी ऐसे होते नहीं, नहीं। घटना कोई भी हो उसकी जितनी भत्सना की जाए वो कम, और इस तरह की घटना जिसमें कि इस तरह के लोगों का मनोबल बढ़ा रहता है, वैसे लोगों के मनोबल को तोड़ना इस प्रशासन का प्रायोरिटी है, पहला काम है, तभी जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। इसीलिए हम समझते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और वैसे लोगों को चिन्हित करके और उन पर कार्रवाई भी करेगी, और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो उस पर भी निश्चित रूप से काम होगा।